हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और अभी हम यहाँ से अपने घर मलोट से हम निकल रहे हैं और हम यहाँ से पंजाब मेल लेंगे और पंजाब मेल से तकरीबन हम कल पहुँचेंगे आगरा। आगरा से हम जाएंगे इटावा। एक्चुअली क्या है कि हम उसका वीडियो नहीं शूट करेंगे क्योंकि वो सफ़र हमने कई बार आप लोगों को दिखा चुके हैं और कई बार हम उसकी जो भी जर्नी होती है आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसलिए हम वो मलोट से लेके आगरा तक की जर्नी है उसको हम शूट नहीं करेंगे। उससे आगे की जर्नी के लिए हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे और आप लोगों को एंजॉय होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं ठीक पाँच मिनट बाद निकलता हूँ और मिलेंगे। ठीक, आगरा से हम ट्रेन लेंगे इटावा स्टेशन पे मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और निकलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हुए हैं इटावा रेलवे स्टेशन पे और हमें मिल गए हैं वंश, अर्पिता संजना और आराध्या। और सबसे बड़ी सरप्राइज देने वाली बात है कि हमें यहाँ पर हमारे मामा जी भी मिल गए। हमारे मामा जी ने हमें सरप्राइज कर दिया मिलकर। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम हैं भरतपुर में और सभी लोगों ने नहा लिया है और नाश्ता भी हो गया है। हमारी आराध्या ने क्या खाया? कचौड़ी। कचौड़ी पसंद आई? हाँ। ये भरतपुर का क्यों धूप भी है और काफ़ी बादल भी हुए पड़े हैं। हमारे मामा जी चले गए अपनी दुकान पर और दुकान पर वो आएंगे दोपहर में 12 बजे। हो गया सिर में दर्द हो रहा है? अभी हम जा रहे हैं अपनी नानी जी के पास। बढ़िया, देख लो दिखा। अभी अंजलि जा रही है अपनी नानी के यहाँ और मम्मी जा रही हैं अपनी मम्मी के पास। पहले का दो सूट और सिल दिए कहीं मुंडू लुधियाना पहन देगी एक सूट। मन तो कोई मुझे दिक्कत ना अब बस देखना। केला ले ले रहे एक बार अच्छी बात है। हमने यहाँ से ले लिए केले, अब हम नानी जी के यहाँ जाएंगे हम और सोनू मामा जी के यहाँ। ये जा रही है अंजलि और मम्मी। मम्मी बड़ी तेज तुर रही हैं कि वो है किले की दीवार। ये रहा भरतपुर का किला। कई लोग सोचते हैं कि मैं भरतपुर में नहीं हूँ। ये है भरतपुर का किला, उसका एक गेट है देखो यहाँ पे। ये चल रहा भैया यहाँ से हमने ले लिया रिक्शा, ऑटो से हम जा रहे हैं। ऐसे गेट बने रखो। सही जब मेरा काम होता है घर पर, दूसरों के घर पे नहीं इतनी जल्दी भूख लगती। अरे कोई बात नहीं। नमस्ते नानी जी। नमस्ते। नानी ये हमारी नानी जी हैं, अंजलि की नानी।
किराए पे रहते हैं सोनू मामा। हम मामा जी के घर से आ गए और अभी हम अपनी मौसी के लिए एक साड़ी लेने जा रहे हैं। हमारे पंजाब से उन्होंने साड़ी मंगाई है और हमारे साथ हैं हमारे मामा जी सोनू मामा। मंडे को अच्छा खुला होता है। फिर कुछ सामान लेके हम आगे जा रहे हैं घर पर और यहाँ से हमने ऑटो ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं शिवा टाकिज। बताओ कुंडा खुला ही रखते हैं, कोई घर में चोर घुस जाए। हमारे पीछे बना बना के खाए जा रहे हैं। बताओ खा लो खाओ खाना। नहीं नहीं मैं तो खा के आया था, खाना खा के आया था। नहीं 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 कह रहा, हम तो आ गए घर पर और सभी लोगों को इनको लग रही है भूख और ये लोग बैठ रहे हैं सब लोग खाना खाने। देखो खाना खा रहा है, यही खाते हैं, यही खाना। ये देखो यही सो जाएंगे खा पी के, यही खाना बनाते हैं और यही खाना खाते हैं। आराध्या भूख लग रही है, क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हैं? बर्फ का गोला। राइस ही खा रहे हैं, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाई भूख लग रही है, राइस बन रहे हैं, राइस खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस ब्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। दूसरी बात, इससे आगे का ब्लॉग होगा जो भरतपुर में हमने क्या किया, क्या कहाँ कहाँ हम घूमने गए, क्या क्या इन्जॉय किया, नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा बहुत ही जल्द। उसमें हम क्या है, एक म्यूज़ियम भी जा रहे हैं और साथ में एक फोर्ट है और रानी का महल, ये भी हम आप लोगों को के साथ शेयर करेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए ये ब्लॉग ज़रूर देखें और इससे आगे वाला बहुत ही इंटरटेनमेंट होने वाला है। इसमें देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हैं जो हमें लाइक करते हैं, उसी के बेस पे हम नेक्स्ट ब्लॉग भी जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय कीजिए। हाँ, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कम से कम एक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।